हेलो स्टूडेंट, एडवांस एचटीएमएल के फोर्थ क्लास में आज हम लोग बात एंकर टैग की करेंगे। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको उस सवाल का जवाब दे देता हूँ जो मैंने आपसे पिछले क्लास में पूछा था। तो मैंने क्वेश्चन था कि टेक्स्ट स्पेसिफाइड इन द वीडियो एंड वीडियो क्लोजिंग टैग इज डिस्प्लेड व्हेन। वीडियो टैग के स्टार्ट और एंड के बीच में जो हम लोग स्पेसिफिक टेक्स्ट डालते हैं वो कब दिखता है? तो इसका आंसर होगा, ये हमें तब दिखता है जब हमारे ब्राउजर के द्वारा वीडियो को सपोर्ट नहीं किया जाता। जब कोई वीडियो हमारे ब्राउजर के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता तब हम जो टेक्स्ट इनपुट करते हैं अपने वीडियो के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में वो हमें शो करता है। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात एंकर टैग की करते हैं जिसका ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। An anchor element is used to create a hyperlink in a web page. Anchor tag का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? इस tag का इस्तेमाल हम लोग hyperlinks को create करने के लिए करते हैं अपने web page के ऊपर। The attribute of anchor tag are hop. इसके attribute hop होते हैं, name होते हैं और target होते हैं। The basic syntax is, इसका जो syntax क्या है? यहाँ देखिए हमारा starting a tag है, यह hop address of the web page और path। अगर आप कोई वेब पेज का एड्रेस अगर यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ये एंटर कर सकते हैं। अगर आपका वो वेब पेज अगर लोकल में सेव है, आपके डिवाइस में ही सेव है, तब उसके पाथ को भी यहीं डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ टारगेट है, यहाँ देख सकते हैं एक अंडरस्कोर ब्लैंक है और अंडरस्कोर टॉप, ये दोनों इसका वैल्यू है। इसका हम आगे बात करेंगे कि इन दोनों का इस्तेमाल क्या होता है। और फिर टेक्स्ट, आप किसको हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं, किस टेक्स्ट को, वो टेक्स्ट यहाँ पे एंटर किया हुआ होता है। इस तरह से हमारा पूरा एंकर टैग तैयार होता है और ये एंकर टैग का क्लोजिंग टैग है। अब हम बात पहले हर्फ की करते हैं। द मीनिंग ऑफ हर्फ इज हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हर्फ का मीनिंग होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इट टेक्स द वैल्यू एज द एड्रेस ऑफ पाथ। ये अपने वैल्यू को किस तरह से लेता है, या तो एड्रेस में या कोई उसका पाथ होता है। एड्रेस मीन्स अगर कोई वेबसाइट वेब पेज अगर हमारा इंटरनेट के ऊपर है तो उसका एड्रेस, अगर पाथ हमारे लोकल में सेव है तो उसका पाथ। ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हर्फ देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा वेबसाइट का एड्रेस डाला हुआ है http://www.zrworld.in और इसे मैंने दो सेमी कॉलन के बीच में रखा है और ये ज़िया वर्ल्ड आप देख रहे हैं। अगर कोई, अगर हम इस लाइन को अपने एचटीएमएल पेज में लिखते हैं तो अगर कोई ज़िया वर्ल्ड के इस टेक्स्ट पे क्लिक करता है तो हमारे इस वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब हम बात टारगेट की करते हैं। द टारगेट एट्रीब्यूट हेल्प द ओपनिंग ऑफ वेब पेज। टारगेट का क्या काम होता है कि ये हमारे वेब पेज को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक ऑलवेज ओपन द वेब पेज इन द न्यू टैब ऑफ ब्राउजर विंडो। जो हम वैल्यू डालते हैं टारगेट की, अंडरस्कोर ब्लैंक, अगर हम अंडरस्कोर ब्लैंक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये अंडरस्कोर ब्लैंक जब हम इनपुट करते हैं अपने टारगेट के वैल्यू को तो हमारा जो वेब पेज है वो हमारे न्यू टैब में ओपन होता है। हमारे जो ब्राउजर विंडो होते हैं, हमारा मानते हैं क्रोम हो, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज हो, या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या सफारी हो, वो जो ब्राउजर है उसके न्यू टैब में हमारे पेज को ओपन करता है जब हम टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक कर देते हैं। और अगर हम द वैल्यू अंडरस्कोर टॉप विल बी ओपन द लिंक इन द वेब पेज इन द करंटली एक्टिव टैब ऑफ द ब्राउजर विंडो, और अगर हम उसका वैल्यू टॉप कर देते हैं तब क्या होगा, जो हम टैब को भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मैं पहले से वेब पेज चल रहा है उसके ऊपर ही हमारे पेज को एक्टिव कर दिया जाता है। मतलब न्यू टैब को ओपन नहीं किया जाता, उसी टैब के ऊपर हमारे वेब पेज को जो हम जिसके रेफरेंस के लिए क्लिक किए हैं उसके वेब पेज को ओपन कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर्फ मेरे वेबसाइट का एड्रेस है, टारगेट ब्लैंक कर दिया गया। तो जैसे वो अभी मैंने बताया, अगर कोई यहाँ पे ज़िया वर्ल्ड के ऊपर क्लिक करता है तो हमारे
ब्राउजर में क्या होगा, एक न्यू टैब ओपन होगा और उसमें हमारा ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जबकि ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट नहीं होता, हमारा बाय डिफॉल्ट टारगेट होता है टॉप। अगर आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं और अगर आप इस वक्त यहाँ पर केवल जेआर वर्ल्ड पे क्लिक करते हैं, तो आपके सेम टैब में ही हमारा ये वेबसाइट रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब हम बात नेम की करते हैं। नेम एट्रीब्यूट गिव द नेम ऑफ एंकर टैग। नेम एट्रीब्यूट जो है वो हमें एंकर टैग को नेम देता है। द एट्रीब्यूट टेक द वैल्यू एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये हमारे जो एट्रीब्यूट होते हैं वो हमें वैल्यू को एक टेक्स्ट के स्ट्रिंग के तौर पे लेते हैं। दिस हेल्प टू लिंक द स्पेसिफिक सेक्शन विद इन द वेब पेज। हमारे वेब पेज की जो डिफरेंट सेक्शन होते हैं उसे लिंक करने के लिए ये जरूरी होता है। दैट हैज बीन नेम्ड विद द सेम टेक्स्ट स्ट्रिंग। और हम उसे अलग अलग सेक्शन को सेम टेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ जोड़ते हैं। ये सब हम आपको आगे प्रैक्टिकल क्लास में बताएंगे। अभी आप बस फिलहाल इसी किताबी भाषा को समझ लीजिए। हमारा जो नेम स्ट्रिंग है वो एंकर टैग के साथ यूज किया जाता है और ये एट्रीब्यूट जो है वो हमारे वैल्यू को एक स्ट्रिंग के तौर पे लेता है। दिस हेल्प द लिंकिंग द स्पेसिफिक सेक्शन। ये हमारे वेब पेज के अलग अलग सेक्शन को लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये लिंक कैसे होता है, वो सेम नेम होने के कारण जो टेक्स्ट स्ट्रिंग होते हैं वो सेम होते हैं। इसका जैसे एग्जाम्पल देखिए, आवर सर्विस। और ये आवर सर्विस, अगर कोई हमारे आवर सर्विस के ऊपर क्लिक करता है और उसका नेम आवर सर्विस किया हुआ है, तो ये सबसे पहले ढूंढेगा कि हमारा जो आवर सर्विस दूसरा और कहाँ सेक्शन है, ये उसके ऊपर रिडायरेक्ट, मतलब ये हमें दूसरा वेब पेज के ऊपर नहीं रिडायरेक्ट करेगा, हमारे सेम वेब पेज के अंदर ढूंढेगा कि हमारा जो आवर सर्विस सेक्शन वो कहाँ है और हमें वहाँ रिडायरेक्ट करेगा। लिंकिंग टू द नेम एंकर। टू लिंक नेम एंकर एड हैश मार्क। हम एंकर टैग को लिंक करने के लिए हैश मार्क का यूज करते हैं। टू एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑफ द वेब पेज फॉलोड बाई नेम ऑफ द सेक्शन विच यू वॉन्ट टू ओपन। ये हैश उसके साथ कनेक्ट होता है, उसके साथ लगता है आप जिस स्पेसिफिक सेक्शन को ओपन करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पे हर्फ है service.html has our service और service। इसका मतलब अगर कोई सर्विस के ऊपर क्लिक करता है तो हमारे जो आवर सर्विस यहाँ पे हैशटैग आपको दिख रहा है वो हैश मार्क के साथ लिखा होता है आवर सर्विस, और उसके ऊपर ये रिडायरेक्ट करता है। ये कहाँ लिखा हुआ है हमारे वेब पेज के ऊपर ये ढूंढा जाता है और उसके बाद हमारा जो स्क्रीन है उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है और हमारे स्क्रीन के ऊपर वही सेक्शन डिस्प्ले करने लगता है। तो ये सब कुछ हम आगे बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे और सीखेंगे। तो हम आज के अपने क्वेश्चन टाइम में आ चुके हैं और आपसे मेरा पहला सवाल है, एन एंकर एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट अ ब्लैंक इन अ वेब पेज। एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं वेब पेज में किस लिए, हेडिंग, हैश मार्क, हाइपरलिंक और नॉन ऑफ दिस। हम क्या क्रिएट करने के लिए एंकर टैग एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए हम लोग एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। द मीनिंग ऑफ हर्फ इज, हर्फ का मीनिंग क्या होता है, हाइपर प्रोटोकॉल रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, बोथ ए एंड बी, None of these। इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हाफ का मीनिंग होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे है, द वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक ऑलवेज ओपन द वेब पेज इन अ ब्लैंक, अ न्यू टैब ऑफ ब्राउजर विंडो, अ सेम टैब ऑफ ब्राउजर विंडो, अ न्यू विंडो ऑफ ब्राउजर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा अ न्यू टैब ऑफ अ ब्राउजर विंडो। हम अगर अंडरस्कोर ब्लैंक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो
वेबपेज होगा जिससे हम हाइपर टेक्स्ट की मदद से कॉल करेंगे, वो हमारे न्यू ब्राउजर विंडो में ओपन होगा। तो आपसे चौथा सवाल है, इज यूज टू लिंकिंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम पेज। हम किसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सेक्शन को, अलग अलग वेब पेज के सेक्शन को जोड़ने के लिए? हर्फ एट्रीब्यूट का, नेम एट्रीब्यूट का, टारगेट एट्रीब्यूट का और नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा, हम लोग नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं अपने वेब पेज के अलग अलग सेक्शंस को जोड़ने के लिए। तो आज आपसे मेरा सवाल है, विच टैग इज यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। हम किस टैग की मदद से अपने यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? अगर हम अपने यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो किस टैग की मदद से लेते हैं? तो आपको ये बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो आपको एक कमेंट में मेंशन करें, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट सच ऑनलाइन क्लासेस एंड चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट एंड योर नोट्स हैज बीन अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट www.zaworld.in एंड द डायरेक्ट लिंक ऑफ योर नोट्स आर मेंशन इन द कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस video. Thank you.